बल्लभगढ़ के राजकीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और विधायक मूलचंद शर्मा ने स्कूल के अंदर 13 शौचालयों का उद्घाटन किया। इसी दौरान विपुल गोयल ने कहा कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाकर रहेंगे। साथ ही कहा कि हरियाणा का बजट प्रदेशवासियों के लिए राहत भरा होगा। यही नहीं, दो राज्यों में बीजेपी की जीत का परचम जिस तरीके से लहराया है उसको लेकर खुशी जाहिर की। वहीं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि इस बार का बजट हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए ही होगा। आज हमारे लड़कियों के स्कूल में महाराजा अग्रसेन समिति के सदस्यों ने जो बाथरूम बनाए हैं और डिलेक्स बाथरूम, इतने बढ़िया बाथरूम बनाए हैं कि मुझे ये कि फरीदाबाद में किसी भी स्कूल में इस तरह के बाथरूम नहीं है। और मैं अग्रसेन समिति के सभी पदाधिकारियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ा धर्म काम है। आज यहाँ VSS के द्वारा इस बेटियों के स्कूल के अंदर जो शौचालय बनाने का काम है उसका विधिवत उद्घाटन था और बहुत अच्छा काम है। मैं VSS को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने इस पुनीत कार्य में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी और के प्रदेश की सरकार हो सभी शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं कि जिससे बीमारियां ना हो, गंदगी मुक्त भारत की जो बात कर रहे हैं, स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं, उसमें VSS ने योगदान दिया। तो मैं समझता हूँ ऐसी ही और सामाजिक संस्थाएं इस कार्य में लगेंगी तो 2019 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो हम लोगों ने ओपन डेफिकेशन खुले में शौच मुक्त भारत का जो सपना तय किया है, जो हम लोगों ने संकल्प लिया है।